और हम आज मुझे सीमा कुशवाहा ने मुझे पीटा, जो राष्ट्रीय महासचिव है बसपा की, मुझे हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। आप हमारे मंच को, अगर कोई भी आपके मंच पे आके चढ़ जाएगा तो आप अलाउ करोगे? कोई भी एनीबॉडी? आपका मंच, मंच सबका है। उन्होंने मुझे मेरे साथ मारपीट की और सीमा कुशवाहा के इशारे पे की गई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उन पे जेल भेजा जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरा धनकोर कांड 7 अक्टूबर 2015 को मुझे पुलिस ने नंगा किया गया था और मेरे महिलाओं बच्चों को नंगा सरेआम धनकोर है, यहाँ से 30 किलोमीटर है, 25-30-40 किलोमीटर, तो वहाँ पे हमारी जमीन को कुछ दबंग गुजर जाति के लोग कब्जा रहे थे, तो मेरी मुझे लूट लिया गया था, मेरे एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, तो मुझे पुलिस ने मेरे परिवार के मेरे महिलाओं को कपड़ा उतार करके सरेआम घुमाया गया और हमें जो पेशाब वगैरह सब पिलाकर पियाया गया और हमारी महिलाओं को बलात्कार करने की नीयत से मुझे बताया नहीं गया। हमारी महिलाओं ने सबको, उन्हें सरेआम घुमा करके हमें भी नंगा घुमा करके जेल भेज दिया गया और आज तक उसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सभी जगह मैंने उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रपति पीएम कार्यालय, सभी जगह मैंने अपनी मांग को लेकर के मुझे मैंने अपनी बात कही, लेकिन सभी जगह मेरी फाइल बंद कर दी गई। मायावती जी ने भी मेरी बात को, अखिलेश सरकार, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो मायावती जी ने भी ये बोला था कि सुनील गौतम की मदद करो, अखिलेश यादव से भिड़ गई थी। आज सीमा कुशवाहा, आज 25 दिसंबर 2022 को मैं यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, बहुत महोत्सव नयाबास नोएडा में, यहाँ बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय पीछे ही है, पहले से मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कर्मठ, मुझे कोई भी जनपद में पहचान सकता है, डीएम भी मुझसे, मैं जय भीम बोल दूँ तो डीएम की हिम्मत नहीं कि जय भीम के बिना वो चला जाए। गौतम बुद्ध नगर में मैं बसपा का प्रचारक रहा हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी के कपड़ा पहनकर निकलता था, मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और हम आज मुझे सीमा कुशवाहा ने मुझे पीटा, जो राष्ट्रीय महासचिव है बसपा की, मुझे यहाँ के जो गुंडे थे जो यहाँ खूब कह रहे थे के जो है ये मानव मानव एक समान, राष्ट्रीय जो महासचिव सीमा कुशवाहा से मैंने ये कहा कि हमारे केस को लड़ो, तो उसने सीधा सीधा कहा इसको मार दो, गुंडा है। मुझे ये आरोप लगाया कि सुनील गौतम ने कपड़े फाड़े मेरे और मुझ पे छेड़खानी का आरोप लगा करके मुझे मंच से बाहर नीचे निकाल करके, यहाँ कई लोग हैं, उन लोगों की सब पहचान मीडिया देख रही थी और मुझे सरेआम मारा गया। तो यही हमारा, मैं हम अपने मंच पे कहाँ कह सकते हैं, मैं नई दिल्ली से लेकर जंतर मंतर से हर प्रोग्राम में मैं देखता हूँ, और मैंने 3 रिक्शा भी ई रिक्शा ले लिए हैं और अपनी जमीन जो मैं जो हमारी मेरे पिताजी ने खरीदी थी मुआवजे से, उसको भी मैं अपने स्कूल के लिए दान में देना चाहता हूँ, कोई ले नहीं रहा और मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। मैं अम्बेडकर बात चलाता हूँ, बहुत चलाता हूँ पूरे विश्व में अपनी बात, मतलब जो हम मैंने अपनी मुस्लिम में बनने का मैंने वो कर लिया प्रण कि हम इसमें ऐसे ऐसे बहुत जो बात करते हैं कि हम बौद्धिस्ट हैं तो हमें तो बौद्धिस्ट पीट रहे हैं, तो मैं तो मुसलमान भी मुसलमान अपनाने को तैयार हूँ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में नहीं लाया जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे हैं और केवल गाड़ी में पैसे भरते हैं और बस को कुछ नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी को यदि दुआया जा रहा है तो मैं इस बात में मुसलमान बनने को तैयार हूँ, क्योंकि मुसलमान भी हमारे साथ जुड़ेगा, मुसलमान को अम्बेडकर बाद लाइए और देखो कैसे देश में पूरे विश्व में हमारे बहुजन समाज की सरकार बने ना बने। तो सीमा कुशवाहा जी खूब नारा लगाती हैं बसपा के जिला अध्यक्ष, कोई सीमा कुशवाहा के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, मतलब उन्होंने क्या किया? आज उन्होंने मुझे हमला कराया गया, क्या इस गुंडे को मार दो, इसको हत्या कर दो, सारे सब लोग नहीं पूछ लो, सुनो भीतर देख लो, मैं कपड़े मुझे मारा गया है। एक मिनट लिसन टू मी प्लीज, एक मिनट, एक मिनट मैडम, एक मिनट बोलने दीजिए। हाँ तो अभी आप ये बोल रहे हत्या करने के लिए बोल दिया? हाँ बिल्कुल, मुझे मुझे बड़ी मुश्किल से, मैं मुझे जब खूब पीट लिया गया है, जब खूब जी भर गया, जब तक मुझे छोड़ा नहीं गया, मैं बोल ही रहा हूँ, मैं अपनी रोने से तो कुछ काम नहीं चलेगा, लेकिन मैंने मीडिया के सामने अपनी बात कही, शशि भूषण से लेकर मुझे सब लोग जानते हैं, सूरज पार राक्षस
सब लोग मुझे जानते हैं। जब भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे कौन जो हमारे पत्रकार से नेशनल लीडर साहब, आप अपना केस बता रहे हो, उस केस में जो पुलिस मार रही है वो क्यों मारने आई है? हमें हमारे एफ आई आर दर्ज नहीं की गई, मैंने एफ आई आर की मांग की। मारने आई थी पुलिस? हम 5 अक्टूबर 2015 को हमें उसने गुंडों ने पुलिस ने हमें हमारी जमीन को छीनने के लिए हम पे हमला किया, हमारी बाइक वगैरह मुझे छीन ली गई थी गुजरों द्वारा। हाँ, गुजरों द्वारा, वहाँ के स्थानीय दबंगों द्वारा। तो मैंने उस बात को लेकर के मैंने एफ आई आर दर्ज कराने गया तो हमारी महिलाओं को, बच्चों को, सबको नंगा किया गया और मारपीट कर दी गई। आज तक एफ आई आर दर्ज नहीं की जा रही है मेरी। अभी यही आप मंच में बता रहे थे? हाँ जी, हाँ, बहुजन समाज पार्टी के मंच पे ही 15 जनवरी 2019 अभी मंच पे 15 जनवरी 2020 को भी मुझे बहुजन समाज पार्टी के मंच पे पीटा गया था ग्रेट नोएडा सूरजपुर में। इसी मैंने केवल बस यही बात कही थी कि मेरा मुकदमा दर्ज किया जाए। बसपा के शमसुद्दीन राय को मैंने ये कहा था मेरी आवाज को उठाइए, मुझे इसी बात पे पीटा जाता है कि ये आता कैसे है। नाम दोबारा बोलना भी, शमसुद्दीन आगे क्या बोला? नहीं, शमसुद्दीन राय, हाँ, हाँ, उसने भी मुझे ऐसी पिटवाया गया कि इसको भगाइए यहाँ से, ये कैसे रहा है चमार का, कैसे ये मंच पे आता कैसे है ये। उन लोगों जो भी ये कहते हैं इसी प्रकार से मेरे साथ दुर्भाग्य किया जाता है कि चमारों की कोई आवाज नहीं उठेगी बहुजन समाज पार्टी में, केवल वहाँ सतीश मिश्रा या जो ब्राह्मणवाद पैदा हो गया इसी बात को लेकर के वहाँ पार्टी में ब्राह्मणों की आवाज। हाँ, वही तो, सारी बहुजन समाज पार्टी को खोखला कर दिया गया है। बताइए आप, अभी आपको पिटवाया गया, आप कह रहे हैं कौन कौन लोग इसमें? कौन है आप? कहाँ पे थे? कौन है आप? कहाँ पे थे जब? कौन है आप? कौन है आप? आप कहाँ पे थे? कौन है आप? बाइट बंद करवाने वाले आप हैं कौन? आप कहाँ पे थे जब? कौन है आप? मैंने बस आपसे इतना पूछा है, कौन है आप? जब धनकोर में काम हुआ था आप कहाँ पे थे? कौन है आप? बताइए आप हैं कौन? पहले तो कहाँ थे बताइए आप? मैं बाइट ले रही हूँ, आप पूछो बताइए क्या हुआ मेरे साथ? यहाँ पर आप अपनी बात रखने आए? हाँ, मैंने ये बोला था मैडम सीमा कुशवाहा जी मेरा केस लड़े, आपने निर्भया केस लड़ाया तो मेरा भी केस लड़े, मैंने इसी बात को मैंने कहा तो मुझे सब लोगों ने पीटा। एक राय जितने मंच पे संचालन कर रहे थे सब लोगों ने मुझ पर हमला कराया गया, सबने मुझे अपने हाथों से पीटा है। क्या कुछ क्या कहना चाहते हैं आप ये बताएं? हम ये कहना चाह रहे हैं जो इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है उसके संबंध में आप सवाल कीजिए, उनके जवाब दीजिए। नहीं, सवाल करें इनके संबंध में, कौन से सवाल करने हैं? आप कीजिए, आप कीजिए सवाल डालने का काम कर रहे हैं। देखिए, आप लोग जो सवाल करने चाहिए वो आप सवाल नहीं कर रहे, आप बताएंगे क्या सवाल करने बता रहे हैं? आप बताएंगे, आप भी जो सोकाल गोदी मीडिया है, अगर वही सवाल आपने भी रखे हुए तो फिर हमें आपके सवालों का जवाब नहीं देना। अगर आप भी उसी मेंटालिटी के साथ आप सोचेंगे, हम नहीं बता रहे आपको, आप जो सवाल करें किसी के साथ अगर गलत हो रहा है, जाति हो रही है, अगर अन्याय की आवाज ही उठाते हैं ना आप लोग, न्याय की बात करते हैं, अन्याय के लिए बिल्कुल आवाज उठाते हैं, तो फिर हम उनसे अगर बाइट ले रहे हैं तो आप क्या क्या सफाई दे रहे हैं? हमने तो मना नहीं किया आपको बाइट लेने के लिए, किसने बोला? किसने बोला? हमने तो नहीं बोला आपको, हमने नहीं बोला, किसने बोला? अभी ये बाइट आपने, किसने बोला? अपनी तरफ आपको बोला किसने कि आप बाइट मत लो? किसने किया? अभी आप, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। आप हमारे मंच को, अगर कोई भी आपके मंच पे आके चढ़ जाएगा तो आप अलाउ करोगे? कोई भी एनीबॉडी? आपका मंच, मंच सबका है, मंच सबका। देखिए, एक मिनट, समाज मंच है, बहुजन, बहुजन बोलते हैं समता समानता के, वो सुबह से मंच पे है, आप लोग भी वो सुबह से बात करेंगे, वो सुबह से मंच पे है, वो सुबह से मंच पे है, वो सुबह से मंच पे है, हमने सीट दिया बिठाए, हमारा मुख्य वक्ता बोल रहा है, आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम उन्हें रोकेंगे नहीं। मंच पे कहाँ थे वो सुबह से? मंच पे, हम वीडियो देंगे आपको, आप हमारी वीडियो चलाइए, बिल्कुल मंच पे, हमारे कैमरे में हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम अपनी रिकॉर्डिंग देंगे आपको, पर वो हमारे अतिथि नहीं है, उसके बावजूद भी हमने उनको मंच पर बर्दाश्त किया। कौन सी हेल्प?
आप हेल्प बताइए ना, कौन सी हेल्प करनी है? तो समस्या क्या है? मैं मांग करता हूँ, वो बोल रहे हैं कि भाई आपको मंच पे पदासीन भी किया था, आपको सम्मान दिया था, उसके बाद भी आप इस तरीके से मंच में नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा मैडम सीमा कुशवाहा जी निर्भया केस आपने लड़ा है, मैं चर्चित वकील साहब है, अपना केस आपसे लड़वाना चाहता हूँ। मुझे इसी बात पे सारे लोगों ने गुस्सा होकर के, जितने मंचशील जो हमें सूरतपाल एडवोकेट कहते हैं, इन्होंने सबने मिलकर के एक राय को मुझे पीटा, मारा पीटा, अरे उसके पीछे ले गए मुझे मारते मारते, मतलब सरेआम इतना हमला करना, बताओ मैं आतंकवादी था, मैं कौन से बदमाश था, मतलब केवल इन पे पिस्टल नहीं थी, पुलिस इनके पास नहीं। किन लोगों को आप संलिप्त मानेंगे अभी जो आपके साथ में घटना हुई, नाम लेंगे एक बार? सीमा कुशवाहा है, और यहाँ पे जिलाध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्मी सिंह, यहाँ पे सब लोगों ने मुझे मेरे साथ मारपीट की और सीमा कुशवाहा के इशारे पे की गई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उन पे जेल भेजा जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, जितने यहाँ पे मंचशील पे जो संचालन कर रहे थे उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए, पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री से या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूँ, मीडिया के माध्यम से, बहुजन मीडिया है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ और मेरी बात को आवाज उठाए, और मैं जो हमेशा आभार व्यक्त करूंगा कि मेरी आवाज को उठाएं। जय भीम, जय भारत।